घाटी से आगे भी जो केदार नगरी केदारपुरी है उससे आगे विकास हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जितना लोगों का अतिक्रमण, लोगों का आना जाना सिर्फ लिमिटेड। सीमित संख्या में हो वो पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल है। कई पर्यावरणविदों ने कहा है कि ये दिन रात हेलीकॉप्टर नम शर्वस्मेते शर्वाय च नम केदार लिंगम च उदार लिंगम संश्रा शिवाय नम सुमना अशद अत्यवोजदिवता प्रथमो देव्यो भिखक अहिंस सर्वायम भयंद्रमा सजातु धान्य कराचेः पराशुभ अशोकस्ताम्रो अरुणौ तव ब्रुः सुमङ्गलः जेषेण भूर्द्रा अवितो यक्षश्रिताः सहस्रसोऽननराजे हंसासन गरुडाशन हंसासन गरुडाशन वृषभाहन साजे आचार्य का समाधि स्थल। Well, absolutely, Neeraj, but let me tell you that it is going to be स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। एक बार फिर से इसको बनाया गया और इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से। That has been constructed new, is sitting on the edge of the Shri Mantra. Ajay, tell us our viewers about the importance of Shri Mantra. देखिए ये जो मंत्र है, आप भगवान आदि शंकर को अगर आप देखें तो उनका जो सर्वोच्च मंत्र कहा जाता है, इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हैं भगवान आदिशंकर की, जिसमें कनकधारा स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उन्होंने बनाया, माँ शक्ति की आराधना करने के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी का पान किया, और इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही, लेकिन मानस पूजा ये आप देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस दर्द को देखा था। राज्यपाल साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और मंत्री सिंह मंत्रीगण लोकार्पण करने जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का। एक बार जोरदार तालियां। भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ होलिस्टिक अप्रोच के साथ होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया, और जो लोग पहाड़ों से परिचित हैं ना उनको पता है कि काम आसान नहीं होता है। घंटों घंटों तक पहाड़ की चोटियों पर जाकर के दो या पांच परिवार को वैक्सीनेशन देकर के रात रात चल करके घर पहुंचना होता है, कष्ट कितना होता है मैं अंदाज लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है, क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है, कि जितनी ऊंचाइयों पर जय केदार। प्रधानमंत्री जी, आपने अपना बहुमूल्य समय आज देवभूमि के लिए निकाला, केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों